हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को समझाएंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और वो कुल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तो जो संज्ञा के बदले में बोला जाता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी एज वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। आइए देखते हैं एक एक करके प्रोनाउन को कुल कितने होते हैं। यह स्पष्ट है कि संज्ञा के बदले में यानी नाउन के जगह पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं, उसे हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। और इसके मुख्य मुख्य प्रकार को हम आज यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं और इसमें मुख्य रूप से आई यू वी ही सी दे इटीसी ऐसे शब्द जो है पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। इसे डिफिनिट प्रोनाउन के भी नाम से जाना जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन की भी मैं चर्चा बाद में लास्ट में करूंगा, पहले पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा कर लूं। आई यू वी ही सी दे इस प्रकार के जो प्रोनाउन वर्ड है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, इसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है महत्वपूर्ण प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसमें हिम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ जैसे शब्द जो है आया करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोनाउन है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ ये संकेत वाचक सर्वनाम है, यानी ऐसा सर्वनाम जो कुछ संकेत करता है, जैसे दिस दैट दिस दोज, जैसे दिस इज ए कैट दैट इज ए डॉग, यहाँ संकेत करने के लिए दिस और दैट का प्रयोग किया गया है। अगला पढ़ेंगे तो अगला प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें हु व्हिच व्हाट हुम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर जो है रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यानी जो संबंध दर्शक है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें हु विच हुम ऐसे शब्द भी आते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, जिसे हम विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें ईच आइदर नाइदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइदर आर नाइदर नार का प्रयोग जहां करते हैं वहां जो है ईच आइदर नाइदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है, इसे हम विभागवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और अगला महत्वपूर्ण जो है प्रोनाउन है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम की चर्चा मैं शुरू ही कर चुका हूँ, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, उसे डिफिनिट प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन जो जिसकी कोई निश्चितता नहीं हो, जिस व्यक्ति व्यक्ति की वहां निश्चितता न हो कि वो कितने लोग हैं क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग है किया जाता है, जिसमें एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरी, नोबॉडी, नन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये मुख्य जो है प्रोनाउन की चर्चा ये आगे की वीडियो में, फिर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नए भाग को बताएंगे। और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।